सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पर उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया। विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्श के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 इविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया।